हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आई अब क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का थ्योरम 6.1 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो थ्योरम 6.1 है बोल रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ठीक है ना, देखिए आपको इस थ्योरम को प्रूफ करना है। थ्योरम बोल रहा है कि कोई एक ट्रायंगल है, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी। एबीसी हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है ना, ठीक। अब देखिए बोल रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना, सबसे पहले आप कोई एक लाइन को ड्रॉ कीजिए। ठीक है ना, जो कि पैरेलल हो इस ट्रायंगल के किसी एक साइड से। ठीक है ना, या तो इस साइड से पैरेलल हो जाए वो लाइन, या तो इस साइड से, या तो इस साइड से। ठीक है ना, तो मैं इस साइड से, मतलब इस साइड का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है ना, यहां पास आप देख सकते हैं, जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है ना, ठीक है ना, ये बीसी के पैरेलल है। ठीक है ना, ठीक। उसके बाद बोल रहा है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है ना, और ये जो लाइन, ठीक है ना, ड्रॉ किए हैं, ये जो लाइन है वो एबी और सीडी को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, यहां पास डी रख देता हूं, यहां पास ई। ठीक है ना, मतलब ये जो लाइन है, ठीक है ना, वो एबी को डी पॉइंट पर और एसी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, और वही डीई लाइन इस बीसी के पैरेलल है। ठीक है ना, ये बोल रहा है थ्योरम। ठीक, थ्योरम बोल रहा है कि कोई एक ट्रायंगल में, ठीक है ना, एक सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना है, वो जो लाइन है उस ट्रायंगल के कोई एक साइड से पैरेलल हो। ठीक है ना, और वो जो लाइन है वो दोनों जो बाकी के जो दो अदर साइड है, इस साइड के तो पैरेलल हो गया, बचा क्या, एबी साइड और एसी साइड, और इन दोनों जो साइड बचा है, मतलब ये जो दोनों साइड बचा है ना, ये दोनों साइड को डी और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, वही लाइन। ठीक, तो हमको प्रूव ये करना है कि अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, तो ये जो लाइन है, ठीक है ना, इस साइड को और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हमको प्रूव करें। ठीक है ना, यहाँ पास बोला है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। ठीक है ना, मतलब यहाँ पास का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा इस वाले साइड के रेशियो से। ठीक है ना, जैसे इसका वैल्यू 3 है तो इसका वैल्यू भी 3 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ठीक है ना, जैसे 3/7 = 3/7। ठीक है ना, कुल मिला कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लाइन, ठीक है ना, किसी ट्रायंगल के, ठीक है ना, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड से पैरेलल खींची जाती है, ठीक है ना, यहाँ पास आप देख सकते हैं, पैरेलल खींची मतलब ड्रॉ की जाती है। ठीक है ना, और वो जो लाइन है उस ट्रायंगल के किसी दो साइड को इंटरसेक्ट करती है, तो उस ट्रायंगल के जो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है ना, वो जो दोनों साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो सेम रेशियो मतलब क्या, एडी अपॉन में, जैसे आपस बोला था ना, 3/7, ये 3/7। ठीक है ना, तो 3 सेंटीमीटर आप समझिए। ठीक है ना, और यहाँ पास वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, तो एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू एई अपॉन में ईसी हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, एडी अपॉन में डीबी, ठीक है ना, और एई अपॉन में ईसी हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, यही प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे, ठीक, जो गिवन डाटा दिया हुआ है। देखिए गिवन भी दिया है कि कोई एक ट्रायंगल में हम पहले से एक लाइन खींच रहे हैं। ठीक है ना, यहां से लेके और यहां तक का जो डाटा है वो सारा का सारा गिवन डाटा। ठीक है ना, यहाँ पास हमने एक लाइन खींचा डीई। ठीक है ना, डीई हमने लाइन खींचा है जो कि पैरेलल है बीसी की, ये गिवन डाटा है। ठीक है ना, यहाँ पास लिखेंगे डीई वो पैरेलल है बीसी के। ठीक, ये आपका गिवन डाटा। ठीक है ना, अगर और आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, जो डी, ठीक है ना, जो डी है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट डी इंटरसेक्ट कर रहा है एबी को और ई
एसी को, ठीक है ना। तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, इसका यूज नहीं है, ठीक है ना। आपको बस इतना लिखना है कि डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक। आगे जो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है, प्रूफ हमको ये करना है कि अगर ऐसा होता है कि हम कोई लाइन को पैरेलल, मतलब हम किसी लाइन को खींचते हैं, ठीक है, मतलब ड्रॉ करते हैं किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, ठीक है ना, तो वो जो लाइन होता है वो ये जो दोनों साइड्स का रेशियो है ना उसको इक्वली डिवाइड करता है, या फिर एडी इक्वल टू एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू ए अपॉन में ईसी होगा, ठीक है ना। मतलब इन दोनों का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। यानी एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू ए अपॉन में ईसी, ये हमको इक्वल प्रूव करना है, ठीक है ना। सेम रेशियो मतलब क्या है, ये थ्री अपॉइंट में सेवन है तो ये भी थ्री अपॉइंट में सेवन ही होगा, ठीक है ना। जैसे एडी का मान लीजिए जो वैल्यू है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और डीबी का जो वैल्यू है वो है मान लीजिए 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका भी 14 सेंटीमीटर होगा और इसका भी 28 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। मतलब जितना रेशियो इसका होगा उतना वो भी होगा, ठीक है ना। ऐसे अगर ये रेशियो इक्वल नहीं होगा तो थ्योरम गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको लाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इक्वल मतलब एडी अपॉन में इसको उसको अपॉन में उसको लाना है, ठीक है ना। लाते हैं, सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। ऐसे तो हम ला नहीं सकते बिना इस फिगर को छेड़छाड़ किए हुए, तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें, ठीक है ना। यहाँ पास हम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, चलिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम ज्वाइन कर रहे हैं बीई और सीडी को, ठीक है ना। यहां पास आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन बीई एंड सीई, ठीक। ज्वाइन बीई मतलब बी से ई तक हमने ज्वाइन किया एक लाइट की मदद से, और दूसरा सी बी, ठीक। ये करना है मतलब इस पैरेलल लाइन में ये करना, ठीक है ना। उसके बाद ये जो ट्रायंगल ए डी ई है, ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है ना, या फिर ऐसे ना कहे कि ऐसा ना कहता हूं कि इस ए बी पर हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ईएम, ठीक। ये जो ईएफ है, ठीक है ना, वो पूरे एबी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। यहां पास तो है ये एडी पर और पूरे एबी पर भी परपेंडिकुलर, ठीक है ना। यहां पास एड ड्रॉ ईएम परपेंडिकुलर टू एडी, नहीं ए बी, ये पूरे ए बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और एक और परपेंडिकुलर डालते हैं डीएन इस ट्रायंगल में, डीएन, और ये जो डीएन है ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है एसी पर, ठीक है ना। डीएन परपेंडिकुलर टू एसी, ठीक है ना, एसी पर परपेंडिकुलर, ठीक। यहाँ पास आप देख सकते हो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बढ़ रहा है, यहाँ पास क्या बढ़ रहा है 90 डिग्री बढ़ रहा है, यहाँ पास भी आपका 90 डिग्री बढ़ रहा है, ठीक। हमको ये चीज लाना है, मतलब प्रूफ में हमको ये चीज लाना है, ठीक है ना। लाते हैं, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करता हूँ पूरा सीरियलिटी वाइज प्रूफ। ये चार चीज ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तभी फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए प्रूफ में, देखिए तीन ट्रायंगल का चर्चा होगा, ठीक है ना। पहला ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है ए डी ई, ठीक है ना, यहां पास लिख देता हूं मैं, पहला ट्रायंगल ए डी
का चर्चा होगा। ठीक, उसके बाद इसका चर्चा करने के बाद ठीक है ना, उसके नीचे करेंगे इस वाले ट्रायंगल का चर्चा। मतलब इस ट्रायंगल में कुछ ना कुछ हम करेंगे ठीक है ना, एरिया है निकालेंगे, लेकिन निकालेंगे ठीक है ना। आपको मैं यहाँ पास पॉइंट करके मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज मैं बैठाना चाहता हूँ कि इस फिगर में बहुत सारे आपको ट्रायंगल दिख रहे होंगे ठीक है ना, लेकिन आपको यही तीनों ट्रायंगल पर फोकस करना है ठीक है ना। ट्रायंगल पहला ट्रायंगल ये वाला ठीक, जो ऊपर है ठीक है ना। दूसरा ट्रायंगल है डी बी ई, और तीसरा ट्रायंगल है डी ई डी सी ई, ट्रायंगल डी सी ई। देखिए सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ऊपर वाला ठीक है, उसके बाद तुरंत इसका निकाल देंगे ठीक है ना। एक बार इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसी ट्रायंगल का एक बार और एरिया निकालेंगे ठीक है ना, उसके बाद फिर इसका एरिया निकालेंगे ना। इस वाले ट्रायंगल का दो बार एरिया निकलेगा। कैसे दो बार एरिया निकलेगा बता देता हूं। देखिए इस वाले ट्रायंगल को यदि देखा जाए तो एडी को अगर हम बेस लें ठीक है ना, यह तो परपेंडिकुलर है ही है ठीक है ना, इसको बेस दें और ये परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल का जो फॉर्मूला होता है ना 1/2 बेस इनटू हाइट ठीक है ना, उस वाले फॉर्मूले से इसका एरिया निकाला जा सकता है ठीक है ना। सेम क्राइटेरिया यहां पास होगा, मतलब सेम प्रक्रिया यहां पास होगा। ए को अगर हम बेस ले इस ट्रायंगल में ठीक है ना, डीएन तो हमारा परपेंडिकुलर है ठीक है ना, तो 1/2 बेस ही हमारा ही है, हाइट ये है, तो दो बार मिल जाएगा ठीक। तो सबसे पहले इसको बेस लेना है ठीक है ना, उसके नीचे वाले फिर इसको, मतलब यहाँ पास मैं छोटा बनाया ठीक है ना, उसके बाद इसको बेस लेना है, तो फिर ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है ठीक है ना। निकालते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ना एडी, उसको लिखते हैं ठीक है ना, उसमें हम एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल ए डी ए ठीक है ना, इस ट्रायंगल ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में देखिए हम बेस किसको ले रहे हैं, एडी को ठीक है ना, पहली बार बेस हम इधर साइड वाले को ले रहे हैं ठीक है ना। इस ट्रायंगल में हम जो बेस ले रहे हैं वो ले रहा है एडी को, और जो आप हाइट ले रहे हैं वो ले रहा है ईएम को। हाइट तो ईएम होगा ही ठीक है ना, क्योंकि बेस पर 90 डिग्री क्या बना रहा है, मतलब कौन सा लाइन बना रहा है, ये वाला ईएम, तो यही बात हो जाएगा ईएम ठीक। देखिए बेस है हाइट है, हम ये जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है यदि उसका बेस और हाइट दिया हो, तो फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का, एरिया इक्वल टू ए आर लिख दिया, मतलब एरिया, और इस ट्रायंगल को यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं ए डी ई ठीक, हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या है एडी है, हाइट क्या है ईएम है। एक बार कैमरे में चेक कर लेता हूं, हाँ दिख रहा है ठीक है ना। एडी ई ये वाला जो ट्रायंगल है ठीक है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है ठीक है ना, इस ट्रायंगल का एरिया निकाला हूं ठीक है ना, ऊपर वाले ट्रायंगल का ठीक है ना, 1/2 बेस टू हाइट ठीक है ना, हाइट ईएम है बेस ई है ठीक है ना। चलिए उसका तो बोला था कि एक बार इसका एरिया निकालने के बाद ना अब इस वाले का एरिया निकालना है ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डी बी ई का एरिया निकाल रहा है, डी बी ई का डी बी। चलो अब थोड़ा आपको याद दिला देता हूं एक चीज, देखिए ट्रायंगल कोई भी हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो ठीक है ना, मतलब कैसा भी हो ठीक है ना, ऐसा मैं बोलना चाहता हूं, कोई सा मतलब थोड़ा पटांग हो जाएगा ठीक है ना, ट्रायंगल कैसा भी हो, अगर उस ट्रायंगल का बेस और हाइट दिया है या फिर बेस और हाइट मिल रहा है ठीक है ना, तो उस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ठीक है ना। ट्रायंगल का शेप कैसा भी हो, अगर उस ट्रायंगल का बेस और हाइट
हाइट मतलब परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होती है ना वही हाइट होती है, ठीक है ना। मिल रहा है तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके हम फॉर्मूला निकाल देते, ठीक है ना। चलिए इस ट्रायंगल को देखते हैं, डी बी ई, डी बी ई, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक, डी बी ई। इस वाले ट्रायंगल में बेस आपको ये लेना है, ठीक है ना, ठीक, बेस ये है, ठीक। तो हाइट क्या होगा, हाइट मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है। देखिए होता ये है कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, आपको बताता हूं ट्रायंगल का शेप कैसा है। जैसे इस ट्रायंगल को देखते हैं, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा सीधे करके मैं दिखा देता हूं, इसी को थोड़ा सीधा कर देता हूं, बेस ये है तो बेस को नीचे कर देता हूं, ठीक है, ठीक, आपका बेस है, ठीक, कुछ इस प्रकार से ये है, ठीक है ना। ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से, यहां पास डी है, ठीक है ना, यहां पास ई है और यहां पास बी है, ठीक है ना। कुछ नहीं किया हूं, इसको देख सकते हैं, इस वाले चीज को ऊपर भेज दिया हूं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इसी शेप को घुमा दिया हूं, ठीक है ना। यहाँ पास आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका बेस है, ठीक, और ये वाला जो लाइन है ना वो ये वाला लाइन है, ठीक है ना, और ये जो डीई है ये डीई है, ठीक है ना। देखिए इस वाले ट्रायंगल में बेस ये है, ठीक है, तो आपको हाइट की जरूरत है, तो हाइट फाइंड करने के लिए आप बेस वाली लाइन को एक्सटेंड कीजिए, ठीक है ना। तो ये वाला जैसे यहां पास देख सकते हैं, ये बेस वाला लाइन पहले से एक्सटेंड है, ठीक है ना। मैं यहां पास एक्सटेंड करके आपको दिखा देता हूं, ठीक, जैसे यहां पास ये तक पहले से एक्सटेंड है, यहां पास ये, उसके बाद इस ट्रायंगल का जो ये वाला छोर है, ठीक है ना, जैसे ई वाला छोर है, ठीक है ना, उसको इस बेस वाली लाइन से टच कीजिए, ठीक है ना। अगर टच है तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना। जैसे यहां पास ईएम टच है ना, पहले से यहां पास ईएम है, ठीक है ना, तो जो यहां पास ईएम है, ठीक है ना, तो जो यहां पास जो हमको मिला है ना लाइन, ठीक है ना, यही लाइन इस ट्रायंगल का हाइट होगा, ठीक है ना, यही लाइन इस ट्रायंगल का हाइट होगा, ठीक है ना। यानी हम यहां पास कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल का जो हाइट है वो है ईएम, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे समझ जाइए, ठीक है ना। देखिए ये फिगर वही है, ठीक, मैं क्या किया हूं, ये जो बेस वाली लाइन है यहां पास पहले से एक्सटेंड है, ठीक है ना, मैं यहां पास आपको एक्सटेंड करके दिखाया हूं, ठीक है ना। उसके बाद इस ट्रायंगल का जो इधर वाला छोर है, जैसे ई पॉइंट, ठीक है ना, उसको बेस में टच करना है, ये वाला जो इसको बेस में टच करना है, यहां पास बेस में ऑलरेडी टच है और इसका नाम दिया गया है ईएम, ठीक है ना, यहां पास ईएम। तो जो ईएम है ना, ईएम, ये जो ईएम लाइन है या फिर जो भी कुछ भी कहना चाहे कह सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला जो है इसी ट्रायंगल का क्या है, हाइट है, ठीक है ना, ये हाइट का काम करेगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना, बेस का वैल्यू ये है, हाइट का वैल्यू ये है, ठीक है ना, यहाँ पास आप देख सकते हैं, ठीक। तो वही चीज मैं यहाँ पास करने वाला हूँ, ठीक है ना। बेस क्या ले रहे हैं हम, डीबी ले रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पास बेस के यहाँ पे लिखेंगे डीबी, बेस के यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तो 1/2, बेस हमारा क्या है, डीबी, हाइट क्या है, ईएम, ठीक। देखिए ये जो ये वर्ड इस ट्रायंगल का हाइट का काम कर रहा है, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है ना। अब इस वाले ट्रायंगल में क्या हाइट का काम करेगा, डीएम काम करेगा, ठीक है ना, जस्ट उल्टा, ठीक है ना। इसका बेस हम ये लेंगे, बेस को एक्सटेंड किया गया है और ये वाला आखिरी छोर है, यहां बस मिला है, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला हाइट का काम करेगा, ठीक है ना। ये हमको मिला एरिया, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या चाहिए, एडी अपॉन में डीबी। अब देखिए ये वाला एरिया को, मतलब इस वाले एरिया ऑफ ईडी, ठीक है, मतलब कुछ मिला कुल मिला करना चाहते, ये वाले को और ये वाले को आपस में डिवाइड कर देंगे हम, तो 1/2 खत्म हो जाएगा, ईएम ईएम भी खत्म जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा एडी अपॉन में डीबी, ठीक है ना। और ये हमको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, इसके अपॉन में डीए, ठीक है ना, डिवाइड करते हैं, हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी, ए डी ई अपॉन में एरिया, अपॉन में एरिया लिखेंगे बता, एलएचएस अपॉन में एलएचएस, आरएचएस अपॉन में आरएचएस, एरिया डी डी ई, ठीक, इक्वल टू, अब 1/2 अपॉन में 1/2 खत्म हो जाएगा, ठीक, ईएम अपॉन में ईएम भी खत्म हो जाएगा, वन बचेगा, यहां पास क्या आएगा, एडी अपॉन में
डी बी आएगा, ठीक है ना। देखिए वन बाई टू यहाँ पास ज्यादा कट पीट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, वन बाय टू भाई डिवाइड कर रहे हैं तो खत्म हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा वन टाइम्स में, तो वन लिखना अनिवार्य नहीं है, यम अपॉन यम खत्म हो जाएगा, बचेगा ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है ना। मतलब एल एच एस साइड हमने ला दिया और हमको ये चीज लाना है, लाते हैं, ठीक। मैं बोला था ना कि इस वाला ट्रायंगल का एरिया दो बार निकालेंगे, ठीक है ना। एक बार बेस हम इस साइड को लिए हैं ए डी को, तो एक बार बेस हम इस साइड को लेंगे, ठीक है। अगेन उसी ट्रायंगल में हम जाएंगे, ठीक है ना। ना अगेन इट ट्रायंगल इस वाले को आप इक्वेशन वन नाम दे दीजिए, ठीक है ना। एल एच एस आर एच एस है, ठीक है ना। इसको इक्वेशन वन नाम दे दीजिए ए डी बी, ठीक है ना। अब इसमें जो बेस लेंगे हम इस चीज को लेंगे, ठीक है ना। बेस इक्वल टू ए और जो हाइट होगा वो रहेगा हमारा डी एन, ठीक। देखिए इस वाले बेस अब एडी को लिए थे और इस वाले ए को ले रहे हैं, डीएन हाइट होगा, ठीक है ना। बेस पर अगर कोई लाइन है, ठीक है ना, मतलब लाइन है और जो लाइन है वो 90 डिग्री बना रहा है, तो वही हमारा परपेंडिकुलर वाली लाइन कहलाती है, और वही लाइन का जो जितना भी हाइट होगा, ठीक है ना, वो हाइट का मतलब उसका हाइट का काम करेगा, ठीक है ना। जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हाइट का काम करेगा, ठीक है ना। होता यह है कि कभी कभी बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, फंस जाता है, ठीक है ना। लगातार जब आप कोई वीडियो को शूट कर रहे हो, तीन चार वीडियो लगातार शूट किए, फिर होता है लास्ट लास्ट में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एरिया कैसे निकलेगा, सबसे पहले लिखेंगे एरिया, ए सी ई, ठीक। इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू वन बाय टू, बेस हमारा ए है, हाइट हमारा डी एन है, निकल गए, ठीक। इस ट्रायंगल का एक बार हमने एरिया निकाल दिया, अब इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। ए आर ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का एरिया ना, ये वाले यहां पास आप देख सकते हैं, ये वाला जो है डी सी ई वाला, डी सी ई डी सी ई डी सी ई डी सी ई क्या आ जाएगा, सेम जैसे हमने इधर साइड का किया था ना, हम वैसे इधर साइड का बेस इसको लेंगे, इसी को वन बाय टू, बेस हमारा इसी हो जाएगा। हाइट क्या होगा, हमने इधर वाले का हाइट क्या लिया था, ईएन लिया था ना, ईएम लिया था, इधर वाले का हो जाएगा डीएम, अरे डीएन हो जाएगा, ठीक है ना, डीएम नहीं डीएन, डी एन डी एन डी एन डी एन होगा, ठीक है ना। यम इस साइड वाले पे लिए थे हम, यहाँ पर सब देख सकते हैं डी एन इस साइड वाले पे, ठीक है ना। पर प्रक्रिया यही होगा जैसे हमने यहाँ पर समझाया था ना, ठीक है ना, सेम टू सम वही चीज होगा, ठीक है ना। क्योंकि बेस को एक्सटेंड कर रहे हैं और यहाँ पास ट्रैकर का जो होता है ना कि एक तो कोर पॉइंट वो इसको टच कर रहे हैं, तो यहाँ पास जो हाइट है ना, जो हाइट मिला है वही इस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। हाइट हम ले लेंगे डीएम, डीएन है, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए, ए अपॉन में इसी, ए अपॉन में इसी डिवाइड कर देते हैं, जैसे इसको डिवाइड किया, ठीक है ना, डिवाइड हो जाएगा यहां पास ए आर अपॉन में ए डी ई, इसके अपॉन में हो जाएगा एरिया, ठीक है ना। इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, डी सी ई इक्वल टू वन बाय टू वन बाय खत्म, डी आर अपॉन डी ओ भी खत्म, बचा क्या ए अपॉन में ई सी, ठीक। अब देखिए हमको लाना है ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए अपॉन में ई सी, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या एल एच एस इक्वल है, अगर एल एच एस इक्वल होता तो हम आसानी से कह देते कि भैया एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, इसका इक्वेशन टू नाम दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए न्यूमरेटर को चेक करते हैं, न्यूमरेटर तो चलो ठीक है, एक तरह तो देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी है, ठीक है।
डिनोमिनेटर में कुछ थोड़ा घपला है, ठीक है ना, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला थोड़ा एरिया डिफरेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन दोनों एरिया को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, प्रूफ कर लेंगे ना इक्वल, ठीक है ना, मतलब एरिया इक्वल हो जाएगा तो इस एरिया का जगह पर इस एरिया को हटा के ये वाला एरिया लिख देंगे, इक्वल है तो कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल है तो RHS ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम बता पाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले इस वाले को इक्वल प्रूफ करते हैं, इसको बिटा देता हूं, अब इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। देखिए क्लास क्लास नाइन्थ में आपने एक चीज पढ़ा था, रिवाइज करा देता हूं, आपने ये चीज पढ़ा था कि यदि कोई दो ट्रायंगल किसी सेम बेस पर हो और वही दोनों ट्रायंगल किसी पैरेलल लाइन के अंदर हो, ठीक है ना, तो जो दोनों ट्रायंगल का एरिया होता है ना वो इक्वल होता है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए एरिया एरिया नहीं ट्रायंगल पहले आप देखिए, ठीक है, ट्रायंगल जो डी बी ई है डी बी ई ट्रायंगल है और ट्रायंगल डी सी ई है डी सी ई है, ये जो दोनों ट्रायंगल है वो सेम बेस पर स्थित है, किस पर स्थित है, मतलब सेम बेस पर है, डीई बेस है, ठीक है ना, ये दोनों किस पर टिके हुए हैं, डीई पर टिके हुए, ठीक है ना, मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, डीई है, तो समझ लीजिए कोई आपका बेस हो गया, ठीक है ना, और ये जो दोनों ट्रायंगल है वो पैरेलल लाइन के अंदर है, ठीक है ना, सेम पैरेलल लाइन के अंदर है, ठीक है ना, डीई पैरेलल टू बीसी गिवन दैट टाइम सबसे पहले यही दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रायंगल हियर, ट्रायंगल जो हमारा डीबीई है और ट्रायंगल डी सी ई है आर ऑन सेम बेस, सेम बेस एट बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन के अंदर है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं। सो अगर ऐसा होता है कि कोई दो ट्रायंगल किसी सेम बेस पर स्थित है, ठीक है ना, यहाँ पर सेम बेस पर स्थित है और पैरेलल लाइन ये है, ठीक है ना, तो पैरेलल लाइन के अंदर में तो उन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, ये क्लास नाइन्थ में हमने प्रूव किया, ठीक है ना। तो यहाँ पास हो जाएगा एरिया इस वाले ट्रायंगल का यानी डी डी बी ई एरिया जो होगा वो इक्वल हो जाएगा डी सी ई के साथ, ठीक। इस वाले को इक्वेशन थ्री डाल दीजिए, ठीक। अब यहां पास क्या मैं डायरेक्ट लिख दू फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री एडी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए अपॉन में सी, देखिए मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ में ना आने के कारण देखिए कैसे होगा कि इक्वेशन वन टू थ्री का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो आप इक्वेशन वन और थ्री को कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, ठीक है ना, आप सब देखिए जैसे, या फिर इक्वेशन टू और थ्री को कुछ कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि तीनों में से कुछ इधर उधर कर करके, ठीक है ना, कुछ भी जो डाटा है जैसे यहाँ पास ट्रायंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, और यहाँ पास भी इन दोनों का एरिया है, ठीक, मतलब एरिया यहाँ पास भी है, एरिया यहाँ पास भी, ठीक है ना, और इन दोनों का एरिया कंपेरिजन यहाँ पास किया गया, ठीक है ना। सबसे पहले इसका एरिया रिप्लेस किए डीसीई डीसीई की जगह पर हमने क्या लिखा डीबी डीबीई यहाँ पास डीबी, इन दोनों का एनएचएस इक्वल है आरएचएस ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीन इक्वेशन को लिखने का मतलब ये है कि तीनों इक्वेशन में से इधर का डाटा उधर उधर का डाटा इधर करके ये वाला चीज आ गया है, ठीक है ना। तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप ही लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, कैसे हो गया। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन थ्री का जो वैल्यू है वो इक्वेशन वन में पुट कर रहा हूं ऐसे में, ठीक है, जैसे यहाँ पास जो या फिर इक्वेशन थ्री का जो वैल्यू है इक्वेशन वन में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इसका जो वैल्यू है ना, या फिर ऐसे आप कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन 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 नहीं टू और थ्री टू एंड थ्री, ठीक है ना। देखिए डीसी है ठीक है ना, किसके साथ इक्वल है डीबीई के साथ इक्वल है, तो इसके जगह पे आपको
ये वाला चीज लिख देना है, ठीक है ना। तो आई यहाँ पास जो है उसको तो लिख रहे हैं, यहाँ पास जाएगा एरिया ए डी ई अपॉन में इस चीज को हटा देना है, ठीक है ना, ये वाला चीज लिखना है एरिया ऑफ डी बी ई इक्वल टू ए अपॉन में ई सी, इस वाले इक्वेशन का नाम देना दे देना है इक्वेशन फोर, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन वन को, इक्वेशन फोर और इक्वेशन वन को देखिए, ठीक है ना। तो इक्वेशन फोर और इक्वेशन वन में आपको एक चीज दिख रहा होगा, इन दोनों का जो एलएचएस है इक्वल इक्वल है, ठीक है ना। और हम ये जानते हैं कि कोई भी दो इक्वेशन हो अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, अगर आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का एलएचएस इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि आरएचएस इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहां लिख दो, यही पास लिख दो क्या, ये खत्म इस वाले के बाद, ठीक है ना। यहाँ पास न लिख रहा हूं, पता नहीं दिख भी रहा हूं कि ना दिख रहा हूं, थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पास लिख रहा हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फोर, इक्वेशन फोर और वन में जो भी छेड़छाड़ हुआ है, ठीक है ना। मतलब इसका क्या है, फ्रॉम इक्वेशन वन में वन एंड फोर लिख दे रहा, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस को भी इक्वल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कुल चीज हो गया, मतलब हर एक चीज, ठीक है ना। आपको बकायदा ये चीज नहीं लिखने की जरूरत है कि हियर एलएचएस आर इक्वल देयर फोर फलाना ढकाना, फिर ये सब आपको नहीं लिखना है। यहाँ पास बस लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फोर, ठीक है ना। इक्वेशन वन और फोर की मदद से हम यहाँ पास कह सकते हैं कि एडी ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं ताकि समझ में, एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू ए अपॉन में ईसी, और हैंग प्रूफ तो लिखना आपको बोलना ही नहीं है, हैंग प्रूफ, ठीक है ना। आप ऐसे देख सकते हैं, पता नहीं कैमरा में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ए डी अपॉन में बी बी और ए अपॉन में इसी इक्वल हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है, फिर ये वाला चीज लिखना है इसके ऊपर तक, फिर यहां पास आना है, फिर ये फिगर बनाना नहीं भूलना, ठीक है ना। इसको आराम से साइड में जहां पास ये लिख रहे हैं ना डाटा, तो यहाँ पास उसके बगल में यहाँ पास फिगर बना देना, ठीक है ना। फिगर बना देंगे हो जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन खत्म, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। देखिए वीडियो आधे घंटा से ऊपर चला गया, ठीक है ना। लेकिन जो लोग शुरू से अंत तक देखे हो ना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ लोगों को पूरा का पूरा समझ में आया होगा जो मैं समझाना चाहता था, ठीक है ना। और जो लोग स्किप करके देखेंगे, देखिए आप लोग मेरा वीडियो का ना थोड़ा क्या होता है कि वो बढ़ा दीजिए स्पीड, जो तो कभी दिमाग नहीं आ रहा है, ठीक है ना। स्पीड बढ़ा देंगे ना, जैसे जो बोलने का स्पीड है जैसे 1.5x पर या फिर 2x पर कर देंगे ना तो सही हो जाएगा ना, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। आप लोग स्पीड बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। स्किप मत कीजिए वीडियो का, स्पीड बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। स्पीड बढ़ा देंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है ना। या फिर जिसको झेलना है तो शुरू से अंत तक चले। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल एकेएमटी कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।